हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पार्ट टू करेंगे। अब बोलोगे पार्ट वन किधर है, तो देखिए पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं इस पेपर को। तो चलिए आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। सवाल देखिए, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो देखिए सबसे पहले संसद को समझ लीजिए आप। संसद जो है तीन अलग अलग इकाइयों से मिलकर बना है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। देखिए कोई भी बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी मुहर यानी कि सिग्नेचर करता है, तब वो कानून के रूप में इंडिया में लागू होता है। तो संसद के तीन सदस्य तीन जो है इकाई है वो कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन हो गया, अब आते हैं मुद्दे पे। सदस्य नहीं था पूछा गया है, तो देखिए कौन कौन सदस्य थे। तो मोरारजी देसाई बिल्कुल थे, राजीव गांधी ये भी थे, पीवी सिंह यानी कि बीपी सिंह ये भी थे, लेकिन पीवी नरसिंह राव यानी कि नरसिम्हा राव जिनकी सरकार थी ये जो है जब प्रधानमंत्री बन चुके थे भारत के, तब ये ना लोकसभा ना राज्यसभा के सदस्य थे। यानी कि फोर ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इनको लाठियों से पीट पीट के मार दिया गया था। अब आपको बताना है कि यह जो दुर्घटना हुई थी, ये जो कृत्य किया गया था, कुकृत किया गया था सरकार के द्वारा, किस समय किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान या फिर साइमन कमीशन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ के समय या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये किया गया था। तो याद रखिएगा ये साइमन कमीशन के खिलाफ जो है ये आंदोलन था कि साइमन कमीशन गो बैक, और उस समय ये घटनाएं हुई थी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। लाला लाजपत राय के बारे में ये जानकारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य, बहुत ही आसान सा सवाल है, पुडुचेरी ये देखिए यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, बट त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा एक राज्य है, जैसे बिहार, झारखंड, बंगाल ये सब क्या है, राज्य है। उसी तरह से ये भी एक त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वर्तमान में टोटल भारत में 28 जो है स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं। याद रखिएगा यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 है। एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। अब देखो त्रिपुरा की राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अगरतला इसकी राजधानी है, अगरतला जो है किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले आप लोगों से मैं तीन सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, पहला सवाल कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं भारतीय के, वो जो अधिकार है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से या किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार का एडप्टेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में किया गया है, किस देश से किया गया है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व तो हम लोगों ने जो है किस जो है देश से लिया है। तीसरा सवाल, संविधान में संशोधन हम लोग करते रहते हैं, आपको बताना है कि संशोधन का जो फॉर्मेट है वो जो है हम लोगों ने किस देश से लिया है। तो तीन सवाल थे मेरे, आई होप कि आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी। तो नीचे कमेंट करके आपको बताना है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। चलिए क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं। एक रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है, सवाल ये पूछा गया है, और बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, भारतीय सचिव जो कि वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उन्हीं की सिग्नेचर आपको एक रुपए के नोट में होता है। एक और बात याद रखनी है, एक रुपए को छोड़कर जितने भी नोट हैं उनके ऊपर इंडियन गवर्नर का सिग्नेचर होता है। किनका सिग्नेचर होता है, इंडियन गवर्नर का सिग्नेचर होता है। वर्तमान में भारत के इंडियन गवर्नर यानी कि जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, शायद करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाए। बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूलता है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बिक्री कर पहले जो है राज्य सरकार ने लगाया करती थी, बट अब करंटली अगर पूछा जाए तो याद रखना है आपको 1 जुलाई 2017 के बाद से, जब से GST आया है इसके बाद से जो है मामला बदल गया है। यानी कि अगर बिक्री कर की बात करी जाए तो बिक्री कर जो है अब कौन लगाता है,
तो ये आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, है ना। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, 1 जुलाई 2017 से जो है ये लागू किया गया है। अब आपको नीचे कमेंट करके ये भी बताना है जीएसटी लगाने वाला पहला देश कौन सा था। अब देखिए जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो दो बातों को आपको समझना ज़रूरी है। अब वो बातें क्या है यहाँ से आप देख पाओगे। देखिए बिक्री कर जो है केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन उसके बाद जो है इसे राज्यों के बीच जो है केंद्र सरकार ही बांट देती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने खोले गए थे। तो देखिए इसका सही जवाब है कि जब सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी उसी समय जो है दुर्गापुर और भिलाई में इस्पात के कारखाने खुले थे। क्लियर होगी बातें। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार यानी कि जो मजदूर हैं वो काम करते हैं या कार्यरत हैं यहाँ पे, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा जो है मजदूर लगे हुए हैं। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, भौतिक कल्याण की बात जो है किसने करी थी, तो इसका सही जवाब है मार्शल के द्वारा जो है ये बातें कही गई थी। बहुत ही ये क्या है स्टेटमेंट है, इसे याद रख लेना है आपको। भारत में कौन सी गाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर सवाल है, लेकिन आपको ये चारों ऑप्शन में से कहीं नहीं दिखेगा। अब बोलोगे भैया चारों ऑप्शन में नहीं दिख रहे तो क्या ये सवाल ही गलत है, नहीं, ये अपने समय में पूछा गया करेक्ट सवाल था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी विवेक एक्सप्रेस, याद रखना है आपको, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है नीचे कमेंट करके आपको जवाब देना है गूगल से ढूंढ कर। और अब मैं आपके लिए एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये कन्याकुमारी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाती है जो कि आसाम में है। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक जाती है विवेक एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्य के सबसे नज़दीक जो प्लानिट है, ग्रह है, उसका नाम क्या है, तो सही जवाब है बुध। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में आपके कि पृथ्वी के सबसे करीब वाला ग्रह कौन है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है वो है शुक्र। याद रखिएगा आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, शुक्र। शुक्र के बारे में दो तीन बातें और जान लीजिए। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, और इसे भोर का भी तारा कहा जाता है और शाम का भी तारा जो है इसे कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। देखना, नदी के बहाव की दिशा अगर जो है परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, तो उस झील को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे गोकुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोकुर झील। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जम्मू कश्मीर में आपको जो है ये उत्पादन सबसे ज्यादा मिलेगा, केसर का उत्पादन। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डोगरी जो है किस राज्य की भाषा है, तो याद रखना है डोगरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब देखो चारों में से कोई नहीं है। जी हाँ, इसका सही जवाब होना चाहिए था आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। ये है कहाँ है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है, यानी कि ऑप्शन ए और बी जो है दोनों सही है, 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे है, रेलवे की बात की जा रही है और आपको पता होना चाहिए कि ये कारखाना आपको कहाँ मिलेगा, वाराणसी में मिलेगा, जहाँ से नरेंद्र दामोदर दास मोदी सांसद चुने जाते हैं, वाराणसी क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, फिर से चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, इसका सही जवाब है देखिए अभी के समय में चीन सबसे ज्यादा जो है टीन का उत्पादन करता है, चीन की जो है बारी सबसे ऊपर आती है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाया है, तो ये चारों ऑप्शन भी सही नहीं है, सही आंसर इसका है सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या सही जवाब है, सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन
तेंदुलकर के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं टेस्ट में। वनडे में भी सबसे अधिक सेंचुरी का भी रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम ही आपको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? वेरी फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, सर्वप्रथम यानी कि वेरी फर्स्ट टाइम। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज कपूर और ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, सारे कपूर को आप देख रहे हो ना, इनके ग्रैंडफादर हैं ये पृथ्वीराज कपूर। इनको सबसे पहले जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है या कौन था, एक्चुअली है ये नहीं, मुझे नहीं पता, मेघा पाटेकर। और याद रखिएगा नर्मदा परियोजना जो है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी और इसका सही जवाब क्या है, मेघा पाटेकर। ये सवाल जो है इनकरेक्ट है क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर्स था, तो इसे हम लोग अभी देखेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सात, ये भी सवाल पुराना ही है, मुंबई का दूरसंचार एसटीडी कोड क्या है? बहुत ही, अब तो एसटीडी कोड चलते ही नहीं है, एसटीडी होता ही नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका जो राइट आंसर है 0222। इसका सही जवाब क्या है, 0222। 011 दिल्ली का कोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी आपको कहाँ मिलेगी? उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है, कटक नहीं है, भुवनेश्वर है। अब देखो अगरतला की राजधानी मैंने आपको बताया था, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है, याद रखिएगा आप इसे। और तेलुगु ही वो एक भाषा था जिसके वजह से, एक्चुअली तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो तमिलनाडु से भाषा के आधार पर अलग हुआ था, और पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसे जो है इन ऑप्शन में से? तो देखिए ये थोड़ा सा जो है ओल्डेस्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए 74 में जो है भवानी भट्टाचार्य को भी प्रदान किया गया है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, तीनों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, विपुल जयकर को छोड़कर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है किसे नहीं किया जा सकता है, उस समय आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई, यानी कि ये राष्ट्रपति थे और इसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, तो सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब होना चाहिए आपका जाकिर हुसैन। और इस सवाल को थोड़े से और अगर अच्छे वे में अगर देखा जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये भी एक राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? तो देखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये 16 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब है पेरिस। कहाँ मिलेगा आपको, पेरिस में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट कहा जाता है, नेसेट जो है इसराइल की संसद को कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस जो है अमेरिका के पार्लियामेंट को कहा जाता है, और पार्लियामेंट यूके के पार्लियामेंट को, संसद को पार्लियामेंट ये बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना है 28। अगर यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो याद रखना है 8। क्लियर हो गई बातें, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका सही जवाब है लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम होते हैं ना इंस्टीट्यूट के, उसमें पूछा जा चुका है इसे। इसका सही जवाब होगा, देखिए दो तरह से आप इसे समझ सकते हो, देखिए एक मिनट में फिर से इसे ले आता हूं, वेट, ये रहा। देखो अगर लोकसभा जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं अगर उनकी उम्र 65 साल हो जाती है तो ये रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर इनका कार्यकाल जो है 6 साल हो जाए, दोनों में से कोई भी
अगर पहले हो जाता है तो दोनों में से किसी कंडीशन में इनको जो है अपने पद पर बने रहने का हक नहीं होता है। भारत की सबसे लंबी नदी बच्चे बच्चे को पता है गंगा नदी, गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू धर्म में। सही जवाब आपका यही होगा। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी थी? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, ये जो है जो कहानी है वो लिखी गई है। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। धासीराम कोतवाल ये जो लेखक हैं वो कौन हैं, उनका जो ये कृति है उनके लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, विजय तेंदुलकर या खुशवंत सिंह? तो देखिए इसे जो है विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजय तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों को जो है भारत में विलय किसने करवाया था? तो देखिए इसका अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 562 अलग अलग रियासतों को जो है भारत में शामिल हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखिए किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा दिल्ली हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया जाता है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई के। अगला सवाल है किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक इंजन बेचने का वचन दिया था? हम लोगों का पुराना दोस्त रसिया। कौन है ये? रसिया, याद रखिएगा। अब जो है इंडिया सेल्फ मेड, अब जो है रसिया पे भी हम लोग डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग अब खुद से जो है क्रायोजेनिक इंजन बना लेते हैं। लेकिन सबसे पहले रसिया ने हम लोगों को सपोर्ट किया था, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि रसिया ने उस समय हम लोगों का साथ दिया था। इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का सवाल है ये। चेकमेट यानी कि मात जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट से नहीं बल्कि शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ईरानी कप या फिर ईरानी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा? ईरानी कप जो है क्रिकेट में, कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन टू है, क्रिकेट जो है क्रिकेट में ईरानी ट्रॉफी आपको दी जाती है, ऑप्शन टू सही है। न्यू दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में क्या खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। क्या खेला जाता है? फुटबॉल। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा द्वारा संविधान के, भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, मैंने आपको पहले भी कराया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हो गया था लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए लागू की बात हो अगर पूछी जाए तो 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत में, संघ या यूनियन बनाने की भी स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन जो है ये नीति निर्देशक तत्व है जिसे हम लोगों ने जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। आय की असमानता को कम से कम करना ये भी जो है नीति निर्देशक तत्व है। तो दोनों ऑप्शन आपका इसमें होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, दोनों यहाँ पे नहीं दिया है बट दोनों इसका सही जवाब है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए के द्वारा जो है पार्लियामेंट से लिया गया है, यूएसए के देश से जो है हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। अब पूछा जाएगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना ये 3rd भाग में है। अब पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। अब देखिए कुछ और नीति निर्देशक तत्व की बात आई थी दोनों में, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, शॉर्ट में आप याद रख लेना। और पूछा जाए कि किस भाग में इसका आपको जो है वर्णन मिलेगा? तो भाग 4 में आपको इसका संविधान में वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक आपको जो है इसका अनुच्छेद जो है वर्णन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? बच्चे बच्चे को पता है और अभी कमेंटेटर सुनील गवास्कर इनका सही जवाब है। अगला सवाल है किस धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर तक रोक सकती है, डिले कर सकती है? तो सही जवाब है 14 दिनों तक, 14 डेज तक जो है इसे रोक कर रखा जा सकता है। सवाल ये भी आएगा कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, ये किस सभा के द्वारा जो है या फिर किस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि यह धन विधेयक है अथवा
नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका जो है अपना राष्ट्रीय नेशनल डे जो है 4 जुलाई को मनाता है। ये एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो सही जवाब है अटलांटिक महासागर जो है यूके को पूरे यूरोप को जो है अमेरिका से अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बहुत सारे मूवी में आप लोगों ने देख लिया होगा और बहुत सारे वेब सीरीज में कि कानपुर में चमड़ा का उद्योग है। किसका उद्योग है? चमड़ा का उद्योग है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ हुआ है? तो देखिए राज्य तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, एक देश और एक राज्य है। कोसी परियोजना बिहार में आपको मिलेगी और इससे जो है नेपाल को भी लाभ मिलता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। वैसे भी देशों को राज्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम आपको बताना है। तो देखिए कावेरी नहीं, गोदावरी नहीं, साबरमती नहीं। तो याद रखिए कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी यानी कि कृष्ण और नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो ये था पार्ट टू। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस इसी तरह से देखने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपने पूरी देख लिया है और बहुत सारा प्यार दिया है हमें। तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर फॉरवर्ड करें। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का फायदा वो ले पाएं। पहली बार चैनल पर अगर आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।